अच्छी रागनी गाई। पहले कह देते ही मैं अब तो इस रागनी के बारे में गुरुजी बताओ ना, कौन से किस्सा की थी, कैसे कैसे बात थी? बहुत जोर लगाया आपने, छठे काले की दुगना लाप मारी। राजा हरिश्चंद्र के किस्से की रागनी जी, जब विधि बता दी ना जी तारा ने जी, और हरिश्चंद्र जो है जी नदी के घाट पे जी जल भरने गए थे, ठीक है, तो घड़ा उठाने के लिए गई तारावती से, ठीक है, तारावती भी गई हुई थी वहां पे जी, तो उसने कह दिया कि मैं हाथ नहीं लगाऊंगी इसके। अच्छा जी, ये घड़ा जो है अछूत के घर तू रहता है जी, मैं इसको हाथ नहीं लगाऊंगी। तो ये हरिश्चंद्र ने कही बात है। हाँ, पर एक तरकीब बता सकती हूँ जी। तो हाथ जोड़ के खड़े हो गए राजा हरिश्चंद्र जी कि ठीक है चल तू तरकीब भी बता दे, क्योंकि तो एक काम कर, ये घड़े को भर ले जी, ये पानी पर तैर जाएगा और पानी में डूब जा नीचे, और सिर लगा के धीरे धीरे इसको उठा लेना, उठा ले एक छोटा। तो किस तरह से जो है जी राजा हरिश्चंद्र अपनी घरवाली के मने करने पर घड़ा उठाने के लिए जी घड़ा तो उठा लिया जैसे तैसे करके पानी में बढ़ के उसी विधि के अनुसार जी जी, पर जब चला तो शरीर डोल गया, उधर पत्नी के कड़वे बोलों की वजह से, उधर कमजोरी की वजह से, क्योंकि किस दिन अन्न खाए हो गए थे, तो ये ख्याल है उस समय हरिश्चंद्र के मन में आ रहे थे जी, ख्याल ये प्रस्तुत किए गए आपके सामने। तो ये गुस्से में कही गई बात या दुखी होकर, दोनों चीज मिक्स कर दी, दोनों दोनों चीज मिक्स है, पत्नी अच्छा, पे गुस्सा भी और दर्द। यहाँ आपके चेले पड़चेले सब लोग बैठे हैं स्टूडियो में, सारे बैठे हैं, तो एक सवाल है छोटा सा जी, आपकी इस उम्र में इतनी बड़ी आवाज, लंबी आवाज, कारण और क्या कारण है इतनी लंबी आवाज है, क्या परहेज है, कोई ऐसा गुरु मंत्र इन बच्चों को आप दीजिए ताकि आपकी उम्र तक पहुँचते पहुँचते इन सबकी आवाज ऐसी थमी रहे जहाँ आज इनकी नौजवानों की आवाज है। साधन है, परहेज है, ब्रह्मचर्य है, साधन और साधन परहेज जी, परहेज ब्रह्मचर्य जी, और कोशिश की जाए, ये साधना है, संगीत हो या कोई रियाज हो, साधना है जी, साधना को साधना की तरह करना चाहिए, भक्ति की करना चाहिए। साधना का मतलब, साधना का मतलब आप जिस कार्य को कर रहे हो जी तन्मयता के साथ करो, ठीक है, उसको लगन के साथ करो जी, और उसको प्राथमिकता पे लेके उसको भगवान की तरह मान के जब करो जी, तो ना आपका आवाज गिरेगी ना आपका रिवाज गिरेगा। और परहेज में, परहेज में आप दारू पी रहे हैं जी, या आप दुनिया भर की गंदगी चीज कर रहे हैं जिससे आवाज डिस्टर्ब होती हो जी, खटाई है, रिफाइंड है, ऐसी खतरनाक चीजें, केमिकल है जी, आपने गाया, आपने ठंडा पानी बर्फ का आइसक्रीम का टेस्ट ले लिया जी जी शादी में, तो आपका गला चला गया। तीसरा ब्रह्मचर्य, जैसे शादीशुदा है अक्सर आपके चेले, शादीशुदा का मतलब ये नहीं है कि आप ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं है कि आप शादीशुदा ना हो जी जी, ब्रह्मचर्य का मतलब ये है कि जो शक्ति आपके पास है जी, जब आप एनर्जी खर्च करने जा रहे हैं जी जी, मीन्स आप ये समझो कि स्टेज पर आप जो एनर्जी अपनी खर्च करने जा रहे हैं, हाँ जी हाँ जी, तो उस दिन के लिए आपके पास इतना भंडार हो शक्ति का जिससे हम वहाँ खर्च करें कमी ना पड़े, इसलिए जो हम ब्रह्मचर्य की बात करते हैं जी जी, वो ये नहीं कि हम पशु नहीं हैं जी जी, हम इंसान हैं, हम ग्रस्त करें जी जी, पर संतुलित करें, संतुलित करें। तो ये सारे फैक्ट थे, सहमत हो भाई सारे ना गुरु जी की बात से, है ना सारे? बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, धन्यवाद। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू।